फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ झटपट बनने वाली रेसिपी कोशिंबीर। कोशिंबीर के लिए हमें चाहिए दही, खीरा, प्याज, टमाटर, किशमिश, मूंगफली, हरा धनिया पत्ता, जीरा पाउडर, नमक और हरी मिर्च। चलिए अभी झटपट बनाते हैं हम कोशिंबीर। कोशिंबीर के लिए मैंने सबसे पहले प्याज डाला। ये बड़े आकार की प्याज थी, इसको मैंने बारीक कट कर लिया। ये अभी टमाटर पड़ रहा है, टमाटर को भी अच्छे से मैंने बारीक कट कर लिया। ये है खीरा, ये एक खीरा था, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया। ये दो कटी हरी मिर्च है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया। धनिया पत्ता, धनिया पत्ता जरूरत अनुसार डालना है। और अभी पड़ेगा हमारा इसमें दही। दही 3 चम्मच है। दही बहुत ज़रूरी है कोशिंबीर में, क्योंकि दही के बिना बनेगी ही नहीं कोशिंबीर। इसमें डाल रही हूँ अभी 2 चम्मच मूंगफली है। मूंगफली मैंने पहले ही भून के रखी थी, बाद में छिलके निकाल के रेडी की फिर डाली। ये किशमिश है, ये काला किशमिश है, मैंने इसको बारीक कट कर लिया। ये 15 से 20 किशमिश थे। अभी ये डाल रही जीरा पाउडर। अभी डालना है स्वादानुसार नमक। नमक डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है 1 मिनट तक, ताकि जितनी भी हमने चीज़ें डाली है इसमें वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट अच्छे से आए। ये भी हमारी अच्छे से मिक्स हो रही है कोशिंबीर। कोशिंबीर आप कभी भी खा सकते हो। ये रेडी हो गई बनके, अभी मैं इसको कटोरी में निकालूंगी। ये देखिए हमारी कटोरी में निकल गई कोशिंबीर। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।